क्या बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? क्या मस्त हो तुम लोग? चलो फिर ले चलते हैं तुम लोगों को मैथमेटिक्स की अमेजिंग ट्रिक्स में। जैसा कि तुम देखते होगे, इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था, देखो बहुत ही कम देर की मैंने लेक्चर दिया था, उसमें एक ट्रिक्स की बातें मैंने किया था। जैसा कि अभी ऑन स्क्रीन तुम देख रहे हो कि अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस जेई मेंस एंड एडवांस ओनली इन 30 सेकंड। अगर तुम इस टिप्स और ट्रिक्स को जानते हो ना, तो जेई मेंस और एडवांस की क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। चलो दिखाते हैं हम लोग किस तरह की क्वेश्चन पर हम लोगों ने यूज करते हैं इस सबको। देखो पिछले क्लास में मैंने ये चीजें दिखाया था और इसके बाद मैंने फिर आपको ये चीजें दिखाया था। ये दोनों दिखाने के बाद देखो, ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तुम एक चीज गौर करोगे कि कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ था, लेकिन जब हम लोगों की अल्फाबेट रिपीट हो जाएगा, इस तरह की क्वेश्चन हो जाएगी, तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, उन चीजों को समझते हैं। और यूं वैसे भी ये सब कॉन्सेप्ट तुम देख रहे हो एस के ठाकुर सर की, तो क्वेश्चन तो यूं चुटकी में उड़ा ही सकते हो ना, इतना चीज ध्यान रखना। ओके चलो आ जाओ पहली क्वेश्चन आज की। और जो बच्चों इससे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, बहुत ही कम ड्यूरेशन की थी, उसको देख लोगे तो और बेहतर हो जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स की जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, इस पर बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, ये वाकई में बेहतर क्वेश्चन होगी, जेई की क्वेश्चन होगी, मेंस की क्वेश्चन होगी और एडवांस की क्वेश्चन होगी। चलो आ जाओ, सबसे पहली जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को, ये क्वेश्चन में मैनकेंड दिया हुआ है और हम लोगों को इसकी रैंकिंग बताना है। भाई देखो यहाँ पर जो तुम लोगों को रैंकिंग बताना है ना, ये एम ए एन के आई एन डी, देखो इसमें जो है ना अल्फाबेट तो वाकई में भाई मेरे रिपीट कर रहा है। एन जो है ये दो बार आ चुका है, जब एन दो बार आ चुका है तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो तुम्हारा प्रोसेस वही होना चाहिए। इससे पहले वाली जो प्रोसेस तुम देखे हो, बिल्कुल प्रोसेस वही होनी चाहिए मेरे दोस्त। प्रोसेस क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लोगे एंड देन रैंकिंग करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? रैंकिंग। चलो इस क्वेश्चन में भी फिर रैंकिंग करते हैं। देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पर लिख दिए हैं, ए की रैंकिंग 0, डी का 1, आई का 2, के का 3, एम का 4, एन का 5 और फिर ये 6। देखो जो अल्फाबेट रिपीट करता है ना, उसको एक साथ रखेंगे और रैंकिंग ऐसे ही कर लेंगे। ओके चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पर। सबसे पहले एम है, एम की पोजीशन देखो ये 4 है भैया, यहाँ पर 4 लिखा इनटू, इसके बाद कितनी अल्फाबेट है, 2 2 4 2 6 6 फैक्टोरियल बाय, अल्फाबेट रिपीट जो है ना ये दो बार है, तो बाय 2 की फैक्टोरियल। यानी याद है ना तुम लोगों को, अगर परम्यूटेशंस ऑफ ए लाइक ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अल्फाबेट अगर रिपीट रहता है ना, तो उससे डिवाइड कर देते हैं, हो गया भाई रैंकिंग तो गड़बड़ हो गई, फिर से हम लोगों को रैंकिंग करनी है। चलो फिर से रैंकिंग करनी है, तो यहाँ पर देखो ये 4 तो कट गया, अब ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। चलो एक ही रैंकिंग देखते भैया ये 0 है, तो देखो ये 0 इंटू भाई 0 इंटू क्या, अब ये 2 अल्फाबेट और 3 5 अल्फाबेट, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। देखो 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, लेकिन प्रोसेस में हम लोग लिख लेते हैं कि तुम किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही यूज करोगे। ओके अब आ जाओ फिर प्लस इसमें लेनी है तुमको। अब रैंकिंग देखो भाई, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, अब तो इतनी हो गई। अब देखो एन की रैंकिंग, एन में पहले वाला पहले लेंगे, 3 लेंगे, 3 ले लिया एन टू, इसके बाद 4 अल्फाबेट हैं, 4 की फैक्टोरियल बाय 2 की फैक्टोरियल, 2 की फैक्टोरियल क्यों, एन की वजह से। ओके अब रैंकिंग तो 3 इसकी हो जाएगी भाई। अब तो मेरे पास जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम करोगे ना,
MAN का काम हो गया, प्लस के की रैंकिंग कितनी है, 2 दिख रहा है हम लोगों को, 2 प्लस और 2 इंटू, पहले क्या करनी है, इंटू करनी है इसमें, इंटू के बाद 3 अल्फाबेट है फैक्टोरियल 3, तो वो रिपीट अब नहीं है इसमें, इसीलिए 3 ही होगा प्लस। अब देखो रैंकिंग जो हुआ हम लोगों को 0 1, अब 2 हो गया इसके रैंक, के बाद आई है, आई की रैंकिंग 1 है, तो भाई 1 लिया इंटू आई के बाद 2 अल्फाबेट है, अब रैंकिंग ये 0 है तो ये 1 हो गया हम लोगों के पास, तो आई के बाद एन है, एन लोगे इसकी रैंकिंग कितनी आ गया 1 इंटू 1 की फैक्टोरियल प्लस लास्ट वाले के लिए हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर तुम देख रहे हो कि आ गया ये टर्म, और बच्चों मेरे पीछे कुछ टर्म लिखा गया है जो तुम लोगों को हिडन हो गया होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, साइड क्या, देखो मैं साइड हो गया, अब तुम क्या करो इस चीजों को पूरा देख लो अच्छी तरीके से और नोट कर लो इन चीजों को, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो भैया ये तो फैक्टोरियल की सॉल्यूशन है, सॉल्व करोगे बहुत ही इजी सॉल्यूशन होगी। अब मैं सारे चीजों की फाइनलाइज सॉल्यूशन लिख देता हूं, देखो तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे ना तुम तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं भाई कि चलो इसको फाइनली मैं लिख दूं, देखो ये जो पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 1, 4, 9 और 2 आ जाएगा, मतलब रैंकिंग ऑफ मैनकाइंड एज दिस 1, 4, 9, 2 बन जाएगा। बच्चे बहुत ही क्वेश्चन आसान है, लेकिन अंतर यही है कि हम लोगों को अल्फाबेट रिपीट वाला। अच्छा क्या तुम सोच रहे हो कि हम लोगों ने विदाउट रिपीटेशन अल्फाबेट की रैंकिंग कैलकुलेट की, अगर रिपीट किया अल्फाबेट उसकी भी रैंकिंग तुमने कैलकुलेट किया बहुत ही आसानी तरीके से, अगर रिपीट किया, देखो ये तो है कि रिपीटेशन वाला, ये तुमने पिछले क्लास में विदाउट रिपीटेशन वाला चीजें था हम लोगों का, ये भी बिना रिपीटेशन वाला था, तो रिपीटेशन और बिना रिपीटेशन वाले सारे चीजों को तो तुम लोगों ने देख लिया। तो इसी तरह की वीडियो पर बने रहने के लिए, ट्रिक्स को जानने के लिए आप संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस को फॉलो करना ना भूले, इसे हमेशा सब्सक्राइब कर ले, और मेरी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए एक लाइक तो आप लोगों को बनता है, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।